हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का ऑटो वर्ल्ड मोटिवेशन में स्वागत है। आज का शीर्षक है ईमानदारी का फल, बेस्ट हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। काफी समय पहले की बात है, प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था, वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थे और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चे को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया, हैरान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए, राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चे के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है बेटा। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले को 6 महीने तक देखभाल की है महाराज। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहां तक आ गया। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। क्या है? बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से सीख मिलती है, अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। अगर यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, आपका प्यारा दोस्त ऑटो वर्ल्ड।